dear students, in this module, while discussing the origin of sociology, we are going to discuss the contribution of one of the most influential social thinkers of uh, the history of human beings, who is karl marx. karl marx had a very gigantic impact on not only on sociology and economics, but also almost on all of the social sciences that we are currently studying marx was born in 1818 in germany prussia germany and that was a period where when we had a significant flourishing of uh, economic activities through the process of capitalism uh, capitalism may as a typical economic system just ग्रुप ऑफ़ पीपल के पास जो है मीनस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और दूसरा ग्रुप जो है उसके पास अपनी लेबर होती है बेचने के लिए जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रखते हैं जिनके पास ज़राए होते हैं रिसोर्स होते हैं वो टिपिकली अपने रिसोर्स की बुनियाद के ऊपर जो प्रोलीटेरियट क्लास uh, है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वर्किंग क्लास को पोटेंशली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो कार्ल मार्क्स ने इस सारे कैपिटलिस्टिक प्रोसेस को बड़ा क्लली ऑब्ज़र्व किया उसके अंदर मौजूद जो इक्वालिटी थी अनिकल बेसिस के ऊपर जो पॉलिसीज़ थी उनको बड़ा क्लली ऑब्ज़र्व किया और इस पूरे सिस्टम को जो है बड़े एक एक्सप्लेनेटरी वे के अंदर जो है हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल बनाया ताकि इसको अंडरस्टैंड करके इसके अंदर मौजूद जो इनहेरेंट फ्लॉज हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके

है ही इनवालिटी के ऊपर मबनी ये इनक्वालिटी जो है वो दो क्लासेस के दरमियान एक कंटिन्यूस स्ट्रगल का इशू है जिसमें जो बुरजुआ क्लास है वो प्रोलीटेरिएट या वर्किंग क्लास को जो है कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट कर रही है सो ही बिलीव दैट द कैपिटलिज्म वुड इवेंचुअली लीड टू इट्स ओन डाउनफॉल एंड रिप्लेस्ड बाय द सोशलज़म इसका अल्टरनेटिव के तौर पे जो इकोनॉमिक सिस्टम कार्ल मार्क्स प्रपोज uh, करता है उसको सोशलिज्म कहते हैं कैपिटलिज्म में तो ये है ना कि एक फ्री क्लास सोसाइटी हो है फ्री मार्केट है जिसमें के आप uh, के ऊपर कोई इनफोर्समेंट नहीं है मार्केट बजाते ख़ुद जो है अपने आप को चैनलाइज कर रही है और जो भी कॉमोडिटीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं वो कॉमोडिटीज़ अपनी सप्लाई और डिमांड की बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी वैल्यूज भी डिटरमिन कर रही हैं मार्क्स का ये ख्याल था कि ये सिस्टम जो है एक्सप्लाइटेटिव है और इनहेरेंटली इट इज़ सॉइंग द सीड्स ऑफ इट्स ऑन डिस्ट्रक्शन तो इसके मुकाबले में जिस सिस्टम को मार्क्स प्रपोज करता है उसका नाम सोशलिज्म है जो एक यूटोपियन सिस्टम भी कंसीडर होता है कि जो एक ऐसा क्लास लेस सिस्टम होगा जिसमें परफेक्ट इक्वालिटी के ऊपर मबनी जो है माशरा होगा जिसमें जो आ, ये नहीं देखा जाएगा कि कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है किसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और किसके पास जो है वो लेबर है बल्कि ये देखा जाएगा कि किसकी कितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है सेंट्रलाइज सिस्टम की बुनियाद के ऊपर जो है उसको जो है उसके मुताबिक उतना जो है वो दे दिया जाएगा सो हिज़ वर्क इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थीरी एंड मार्क्सिज्म इसका जो एक बड़ा इम्पेक्ट हुआ मार्क्सिज्म का वो आने वाले जितने भी परस्पेक्टिवज़ उस थीरीज थी उसके ऊपर हुआ कि चीज़ों को माशरे को और ना सिर्फ के मुशरे को और लोगों के रवैयों को बल्कि नॉलेज को भी जो है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने लगा मार्क्स आइडियाज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल थीरी तो इसका एक बड़ा इम्पेक्ट जो है वो लेटर ऑन आपको जैसे जैसे आप अगले मोड्यूल्स के ऊपर देखेंगे खास तौर पे जो सोशोलॉजिकल थीरी है उसके मॉड्यूल्स में जब आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि मार्क्स का इम्पैक्ट जो है वो कितना बड़ा था क्योंकि उसके बाद आने वाले जितने भी थिंकर्स थे वो इस इन्फ्लुएंस से जो है वो नहीं निकल सके और वो चीज़ों को एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू हुए सो दे कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ सोशल इनकवालिटी एंड द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म आज अगर आप सोशोलॉजी को देखेंगे तो सोशियोलॉजी हमें महसूस होता है कि सोशियोलॉजी इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बट मोर इम्पॉर्टेंटली सोशियोलॉजी इज़ पर स्टडी ऑफ इनिक्वालिटी एंड सोशियोलॉजी इज़ एक्चुअली द क्रिटिक ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम